मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए आपको कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट कहां से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, लो बजट में कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, सारे इतने सारे आपके क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा सिर्फ एक ही वीडियो में। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यही देख लेते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट है जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है। देखिए हम यहाँ मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे कि आपको राइस से स्टार्ट करना है और आपको 50 लाख रुपए चाहिए इनिशियली, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि मिनिमम कैपिटल आपको कितना चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम हम 10 लाख रुपए भी मान के चलते हैं कि 10 लाख रुपए, वैसे तो मिनिमम आप 1-2 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन ये मान के चलते हैं कि कोई ऐसा आप अच्छा प्रोडक्ट कर रहे हैं जो कि 10 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। अब उसको कैसे कैसे अरेंज करना है, वो कहां कहां खर्चा होगा, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आपका लग जाता है, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का। जैसे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन, हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर ध्यान दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, हम भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप हमारी जो सीए टीम है उससे कराना चाहते हैं उससे भी करा सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, सारे डॉक्यूमेंटेशन जैसे आईसी, जीएसटी, आरसीएमसी, एडी कोड, वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट का एसईओ करिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ट्रेनिंग लीजिए, बेसिक मार्केटिंग करिए, ये सब जो खर्चा है ये 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का, ये सारा कुछ रेडी हो जाता है। इसको बोलते हैं कंपनी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपका पूरा क्लियर हो जाता है, बेसिक मार्केटिंग भी हो जाती है, ट्रेनिंग भी हो जाती है, वेबसाइट भी हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाते हैं और कंपनी रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट का कॉस्ट है 10 लाख रुपए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 10 लाख रुपए का आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है, जो कि 25 टन का कंटेनर आपका आता है। अब वो 10 लाख रुपए का हुआ, उसमें से 50% तो एडवांस ही दे देता है, 100% भी एडवांस दे देता है, लेकिन हम यहां मान के चलते हैं कि आपको 50% एडवांस दिया और 50% का आपने रिस्क लिया, यानी 50% का वो रिस्क ले रहा है और 50% का आप रिस्क ले रहे हैं। रिस्क वैसे कुछ नहीं होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, सारा डॉक्यूमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं, आप एलसी ले सकते हैं, वो अलग चैप्टर है, उसमें ट्रेनिंग में हम पूरा सिखाते हैं कि जो टोटल 8 रिस्क रहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, उसको कैसे आप मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्या इंश्योरेंस लेना, क्या कवर लेना, सारी चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है आपको। तो यहां मान के चलते हैं कि 50% का रिस्क उसने लिया और आपको 50% एडवांस भेज दिया और 50% अभी हमें अरेंज करना है। 50% उन्हें एडवांस दिया मतलब 5 लाख रुपए हमें एडवांस दे दिया। अभी हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है, 5 लाख रुपए जो मतलब टोटल 10 लाख रुपए थे, उसमें 25% तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन था, 25% मतलब 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख 2.5 लाख रुपीज मेरा प्रॉफिट मार्जिन था और 5 लाख उसने मुझे दे दिए, तो अभी 7.5 लाख रुपए हो गए मान लीजिए। तो अभी 2.5 लाख रुपए की मुझे जरूरत है, तो अब 2.5 लाख रुपए के लिए हम सोचते हैं कि 2.5 लाख रुपए हमें कहां से अरेंज करना है। देखिए कहीं फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी आप ले सकते हैं, कई बार ऐसा होता है लोग बैंक से नहीं लेना चाहते हैं, कहीं और से नहीं लेना चाहते हैं, जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी होगी, गुजराती कम्युनिटी होगी, वो लोग फंड अपने ही कम्युनिटी से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि बैंक के चक्कर में ना पड़े, और ये कई बार सही भी है। क्यों बैंक को 4%, 5%, 10% ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया? तो अगर आपका छोटा सा रिक्वायरमेंट है 2-4 हजार रुपए का, जैसे हमें यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो 2.5 लाख रुपए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले सकते हैं अगर ये पॉसिबल है तो। अगर आप बोलते हैं कि सर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आपको ऑप्शन बताता हूं कि आपने कोई एफडी कर रखी होगी उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। नहीं सर मेरी तो कोई एफडी नहीं है, या मेरी एफडी है लेकिन मैं उस पर लोन नहीं लेना चाहता हूं, कोई बात नहीं। और भी एक नया बताता हूं और एक्स्ट्रा बताता हूं आपको, आपके पास गोल्ड होगा, गोल्ड नहीं बेचूंगा सर, नहीं बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, गोल्ड के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। जो भी आपके पास में भाभी जी के गहने हैं, गोल्ड है, जो भी माताजी के, आपके जो भी परिवार में जो भी गोल्ड है, गोल्ड के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं, और जैसे आपका कंटेनर आ जाए, पैसे आपके पास आ जाए, उस गोल्ड को आप अपना छुड़वा सकते हैं। गोल्ड लोन ले सकते हैं? नहीं सर मैं तो गोल्ड लोन नहीं लूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, गोल्ड लोन भी मत लीजिए। और नेक्स्ट बता दूं आपको, ऐसी बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन आती है जो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का आपको लोन, अनसिक्योर लोन बहुत जल्दी दे देती है, तो वो कर सकते हैं आप। नहीं सर मैं मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं हूं, मैं मोबाइल लोन भी नहीं लेना चाहता हूं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बताता हूं, बैंक से एक बीएल आपको मिलता है, बीएल बिल ऑफ लेडिंग, नहीं ये बिल ऑफ लेडिंग नहीं है, ये है बिजनेस लोन। बीएल मतलब
बिजनेस लोन, बैंकिंग के लैंग्वेज में बीएल मतलब बिजनेस लोन। तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप अपनी कंपनी के नाम पे बिजनेस लोन ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, और ये तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए है, तो आराम से बैंक आपको दे देगा। अगर ये भी नहीं करना ऑप्शन आपको, तो नेक्स्ट आपको बताता हूं, एक्जिम बैंक से लोन ले सकते हैं। एक्जिम बैंक भी आपको लोन देता है। सर मुझे वो भी नहीं लेना, नेक्स्ट और बताता हूं। आठवां आपको, आपको IES का बेनिफिट मिलता है, इसमें छूट आपको मिलेगी। क्या है? इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, जो कि गवर्नमेंट का बेनिफिट है, गवर्नमेंट का इंसेंटिव, गवर्नमेंट का बेनिफिट, गवर्नमेंट की स्कीम है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको IES मिलता है। सर मुझे कितना IES मिलेगा? वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। इसको इंडियन ट्रेड पोर्टल पे आप जाके खुद भी देख सकते हैं, या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपको चेक करके बता सकते हैं। सो इंडियन ट्रेड पोर्टल पे वेबसाइट पे चेक करिए आपका प्रोडक्ट कौन सा है, HS कोड वहां पे मांगेगा, HS कोड आप उसमें डालिएगा, और कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका IES आपको कितना मिल रहा है, और ये भी निर्धारित करेगा कि आप MSME में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं रजिस्टर्ड है। नॉर्मली जो MSME में रजिस्टर्ड होते हैं उनको 3% तक का गवर्नमेंट आपको IES देता है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। तो मान लीजिए कि आपने 9% पे कोई लोन लिया और 3% का आपको यहां पे मिल गया IES, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो अभी सिर्फ आपको 6%, जो 6% है ना, 6% ही पे ही आपको ब्याज देना, 6% मतलब जो 9% देना था अभी सिर्फ 6% आपको देना पड़ेगा, है ना कमाल की बात। सो अगर आपको और भी चाहिए ऑप्शन, तो एक ऑप्शन और है जिसको बोलते हैं CGTMSE, जिसमें 5 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। जो आप छोटे हैं, माइक्रो है, स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनके लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट होता है, जिसको CGTMSE बोला जाता है। इसमें 5 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं। हमें तो कितना चाहिए? ओनली 2.5 लाख रुपए का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो मैंने पहले आपको ऑप्शन बताया था कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे जरूर शेयर कीजिए, हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि आगे कुछ बढ़ना चाहता है, अपने वेल्थ को क्रिएट करना चाहता है, अपने बिजनेस को कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप? देन यू कैन ज्वाइन अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rsglobalexport.in, और यू कैन कॉल अस ऑन 888-235-7058 और 9014-5825-23। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल नाउ।